ये वाली ककड़ी मैंने निकाली है, ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन अभी के लिए बहुत है, और साथ में इसके साथ। तो ये देखिए पापा ने यहाँ पर कुनका लगा दिया है। उजाला नहीं होता था हमारे घर में तो इसका यूज बहुत करते थे। यहाँ पर मम्मी जाती है तो वहीं पर पापा भी चले जाते हैं। तो उनसे हमने पूछा भी कि तराजू लेके आए, वो बोले तराजू क्या लाना, बोले दूर की। पापा और मम्मी की जोड़ी के बारे में तो क्या ही बताएं, एकदम गजब की जोड़ी है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोगों को ऐसे ही जोड़ीदार मिले। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल, मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी चौक से सुबह के 9 बजे, और मौसम देखिए आज कैसा हो रहा है सुबह सुबह का। ये देखिए पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं जब से मैं घर आया हूँ या मैं जब यात्रा पे गया था तब से यहाँ पर हमारे गांव में अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो देखो आज भी बारिश होती है कि नहीं होती है ये तो बाद ही में पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए पापा ने अभी ये वाली ककड़ी निकाली है, और इस ककड़ी की हाल आप देख सकते हैं, पूरी यहाँ नीचे से सड़ गई है। और यहाँ की ओर आप देखिए तो मम्मी गई होगी खेत में, तो सब मुंगरिया मुंगरिया तोड़ के आ चुकी है। इसके बाद शायद हमारे घर में अब मुंगरी खाने को नहीं मिलेगी है। ये भी सब कभी कोई बोले दो मुंगरी, कभी बोले उसी के लिए हो रहा है, हमने कहाँ खाए मुंगरी। हाँ, ये सब सही बात। तो अभी तक आपने वीडियो देखी होगी मेरी, तो मेरी वीडियो में आपने अभी तक मुझे मुंगरी खाते हुए नहीं देखा होगा अपने घर पे, क्योंकि मैंने खाई नहीं। कल रात को थोड़ा बहुत खाई थी लेकिन इतना नहीं खाया कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। जो हमारे यहाँ मुंगरी हो रखी थी तो वो मम्मी ने बता ही दिया है कि कोई भी आता है कि हमको मुंगरी दे दीजिए तो हम दे देते हैं। और यहाँ की ओर देखिए हमारे भोटू महाराज मस्त मार के लेट रखे हैं छत में, और ये ऐसे ही नहीं लेट रखे हैं बल्कि मैंने बताया था पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो भोटू की तबीयत बहुत ही नाजुक है, इसके गले में एक बड़ा सा गोला हो रखा है। तो ये देखो और टाइम में अगर ऐसे आता हूँ ना इसके नज़दीक तो एकदम से खड़ा उठ जाता था, लेकिन बिल्कुल सुस्त पड़ गया है। तो इसको अभी मैं लेके चलता हूँ पंगरौली की साइड, क्या पता मैदान में थोड़ा इधर उधर भटकेगा तो हो सकता है ठीक हो जाए, क्यों बटो। और साथ में मैं छत में आया हूँ, तो छत में आप देख सकते हैं जैसे पिछले साल हमारे छत में बेल आ रखी थी कद्दू की, तो वैसे ही साल भी आ रखी है। और अभी कद्दू तो मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, बस एक ही कद्दू दिख रहा हो उस नीचे देखिए, अभी तो सिर्फ फूल ही फूल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, आने वाले टाइम पर क्या पता कद्दू लग जाए, और पिछले टाइम तो आपने देख ही रहे कितने सारे कद्दू और कितने बड़े बड़े कद्दू थे हमारे। तो भोटू और मैं आ चुके हैं पंगरौली स्टेडियम में, और भोटू ऊपर भाग गया क्योंकि वहां पर हैं भाई साहब, और भाई साहब आ रखे हैं अनुष्का लोगों के बैलों के साथ, और साथ साथ अपने हीरा मोती के साथ पंगरौली स्टेडियम में बैलों को चराने के लिए। तो चलिए अभी भोटू और मैं आधा घंटा पंगरौली में रहे, थोड़ा भोटू को इधर उधर घुमाया, और अब फिर वापस चलते हैं घर की ओर। तो सुबह से अभी भी मौसम कुछ ऐसा ही है, धूप तो आज आ नहीं रही है, लेकिन मम्मी ने बोला था धूप आएगी तो इस तिरपाल को इससे हटा देना, इसके नीचे झंगोरा है। तो चलो नहीं भी आ रही है धूप तो क्या करें, ऐसे ही खोल देते हैं, नहीं तो फिर गाली खानी पड़ेगी। तो अभी मैंने झंगोरा ऐसे पूरे छत पे फैला दिया है, और साथ में झंगोरा खाने के लिए घुघती आ चुकी है। तो अभी भाई साहब पहुंच चुके हैं पंगरौली से घर, और यहाँ पर देखिए बना रहे हैं लस्सी, वो भी मीठी नहीं है बल्कि नमकीन घर के नमक के साथ। और यहाँ पर हमारे घर पे देखिए कबाड़ी वाले भैया पहुंचे हुए हैं, तो हमारी जो पुरानी पुरानी चीजें हैं ना वो आज बाहर निकल ली है, जिसमें कि मुझे सबसे अच्छी ये वाली लगी है। तो ये कभी लाइट का यूज करते थे ना, कभी जब उजाला नहीं होता था हमारे घर में तो इसका यूज बहुत करते थे पापा के टाइम पे। क्या बोलते थे इसको, तेल भी नहीं है, मिट्टी तेल, तो इसके अंदर मिट्टी तेल को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, बेस बोलते हैं। ना तुम्हारे जमाने में क्या बोलते थे इसको, हाँ उसको मेंटल बोलते, अच्छा मेंटल, तो मेंटल को लगा के इसको जलाया जाता था कभी के जमाने में। मेरे को याद है जब मेरी दीदी की शादी हुई थी ना तो उस टाइम भी इसका हम यूज करते थे, लेकिन अब काम नहीं कर रहा है तो हम इसको दे रहे हैं
भाई साहब को और साथ में बहुत सारी चीजें ये और इसके बदले वाल हम खाएंगे मूंगफली। और बचपन की जो याद है ना एक बार फिर ताजा हुई, क्योंकि बचपन में हम जगह जगह पूरे गांव में घूमते थे और कचरा कुचरा लेके आते थे एक मूंगफली के बीज के लिए। 2-3 किलोमीटर पर आप लेने जा रहे थे। अच्छा, और पापा एक और चीज बता रहे हैं, ऐसा चलाया में रखा और आगे हम चल रहे हैं, बारात आ रही है। तो पापा बता रहे ना बारात लेने के लिए जाते थे, तो अभी भी हमारे गाँव में रोड है नहीं, लेकिन पहले जमाने में तो कहीं गाड़ी में बारात जाती ही नहीं थी, मतलब पैदल पैदल चलते थे, तो इसी को कंधे में लेके चलते थे आगे आगे से। तो चलिए जो भी है अभी मूंगफली खाने को हमको मौका मिलेगा, और साथ में भाई साहब ये भी रख रहे हैं। तो ये ताई ने बोल क्या बेचा ताई तूने? एक ताला और एक कंटर। एक ताला कितने किलो का ताला था? आधा किलो। ताई ने बोल आधा किलो का ताला बेचा, तब जाके ये चने खाने को हमको मिल रहे हैं। एक पैक भी नहीं हुआ। तो ताई पैक मांग रही, भाई पैक दे दो बोल ताई को। इधर इधर कितना पैक मिला? आधा पैक। आधा पैक भी नहीं मिला वाले यार। तो चलो हमारे कबाड़ी वाले भाई चल पड़े अब अपने आगे के राह की ओर। तो मतलब जो बचपन की याद है ना एक बार फिर ताजी हो गई है, और मुझे लग रहा है कि आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में ऐसे कचरा इकट्ठा करके कबाड़ी वाले भाई को दिया होगा और उनसे मूंगफली खाई होगी, और भाई साहब बोले कचरा खाया होगा। तो भाई साहब शायद कचरा ही खाते हैं। कचरे ये और क्या है? मेरे को बढ़ा के चले गए, इतना बड़े बड़े लोग आते रहे, औजार बन जाते, वो भी बात है। उनसे हमने पूछा भी कि तराजू लेके आए, वो बोले तराजू क्या लाना बोले दूर, बस यही है गांव में कोई पूछता है नहीं तो वो भी हमेशा चल पड़ते हैं। अब घर पे हमारे आ गए हैं तो चलो हमने बोला यार ले जाओ आप लोग खुश रहो बस। तो अभी खाना भी बन गया है और आज खाने में है घिया चना की दाल दही और भात। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी जा रहा हूँ मैं घर से खेतों की साइड, खेत में कुछ काम है वो वहीं पे जाके आपको बताएंगे, और जा रहा हूँ इसको लेके। तो अभी आ चुका हूँ मैं खेत में, और यहाँ देखिए यहाँ पर धान की लवाई का काम किया जा रहा है मम्मी के द्वारा, और यहाँ पर देखिए मम्मी ने अभी तक इतनी लवाई कर दी है और कुछ दिन पहले भी यहाँ पर लवाई की होगी। तो यहाँ पर एक कोनका लगा रखा है, कोनका क्या होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, कि जब धान की लवाई होती है ना तो मंडाई से पहले उनको कुछ दिन, मतलब आप मान सकते हो 4-5 दिन के लिए एक गड्ढी बना के रखते हैं ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं कोनका। और कोनका कैसे लगाते हैं अगर मम्मी लोग यहीं पे लगाएंगे तो फिर आपको वो वीडियो में आगे मैं बता ही दूंगा। तो मम्मी यहाँ पर लवाई कर ही रही है, और लवाई करने के बीच में मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो यहाँ पर देखिए जो उन्होंने अपने बिल बना रखे हैं, तो मतलब कितने अंदर तक होंगे उसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं। एक यहाँ पर है, और मतलब जगह जगह आपको जब ये कटेगा ना फिर मैं आपको बता दूंगा। तो चूहों ने भी पूरे खराब कर रखे हैं, देखो यहाँ से वो अपने बिल में लेके जा रहे हैं हमारी धान को। तो अभी पापा भी पहुंच चुके हैं खेत में लवाई करने के लिए। हेलो गाइस, तो बोलता हूँ ना जहाँ पर मम्मी जाती है तो वहीं पर पापा भी चले जाते हैं, तो एकदम गजब की जोड़ी है नी जोड़ी तो वही ना, पापा को ऐसा लगता है कि मम्मी को ज्यादा काम करना पड़े तो मम्मी के हाथ पैरों पे दर्द हो सकता है, तो पापा चाहते हैं कि मम्मी के ऊपर कम से कम लोड आए, मम्मी कम से कम काम करे और स्वस्थ रहे। तो मतलब पापा और मम्मी की जोड़ी के बारे में तो क्या ही बताएं, एकदम गजब की जोड़ी है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोगों को ऐसे ही जोड़ीदार मिले। तो अभी पापा से मैंने दराती मांगी, दथली मांगी कि थोड़ा मैं लवाई करता हूँ, लेकिन मेरा सगवर इनको पसंद नहीं आया है, क्योंकि मैं दो गलतियां कर रहा हूँ। एक तो जमीन से नहीं काट पा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर ऊपर काट रहा हूँ तो न्यार भी उसमें बर्बाद हो रहा है, और साथ में दूसरा ये है कि ये लगे हैं हर टाइम पे हाथ ना काटी, तो इनको ये भी डर हो रखा है कहीं मैं हाथ काट दूंगा तो फिर हो गया। तो चलो कोई नहीं, हर माँ बाप को अपने बेटों की चिंता तो होती है, वैसे इनको भी हो रही है, अनुभव की कमी है, एक्सपीरियंस नहीं है। तुमको कितने साल का एक्सपीरियंस है? जितने साल मुझे हुए, 7-8 साल का। मतलब बचपन से यही कर रहे हो? सही बात। और क्या क्या मर गई थी हमारी, 3 साल का था मैं। अच्छा, और तब से यही काम कर रहा हूँ। सही है, ठीक है, बढ़िया, ठीक ठाक हूँ, फंस रहा हूँ, मजेदार है। तो अभी पापा बता रहे हैं कि पापा को काफी एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में भी, क्योंकि पापा तब से वो काम करते आए हैं जब से
पापा छोटे थे, मतलब बचपन से ही ये काम पापा करते आए हैं, क्योंकि जो हमारी दादी जी थी पापा की मम्मी, तो उनकी डेथ हो गई थी उस टाइम जब पापा मात्र 3 साल के, तो मतलब घर के सभी काम पापा को करने पड़े थे। तो चलो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हम भी ले लेंगे, क्या पता आने वाले टाइम पे खेती बाड़ी में ही कर लूं। तो अभी जा रहा हूं मैं खेत के बीच में, क्योंकि दूर से मुझे नजर आई है ककड़ी की बेल, तो इसमें देखते हैं ककड़ी है भी मेरे लायक या नहीं है। और यहाँ पर कंडाली भी हो रखी है बिच्छू घास, तो मुझे ककड़ी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। मैं सोच रहा था कि छोटी छोटी मिल जाए तो थोड़ा खा लें, लेकिन है नहीं शायद कहीं भी। तो अभी गया था मैं खेत के बीच में ककड़ी की ढूंढ में, ककड़ी तो मुझे मिली नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा मुझे बिच्छू घास लग गई है, मतलब झस हो गया है कंडाली से। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, कई दिनों से मम्मी मुझे बोल भी रही थी कि कोई हमारे क्षेत्र से मेरी वीडियो देखता है और उनको जौ की जरूरत है, तो आप हमारे यहाँ से जौ खरीद सकते हैं, हमारे यहाँ जौ काफी अभी पड़ा हुआ है। तो अभी पापा ने लवाई करने का काम जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि पापा को ड्यूटी मिली है कुनका लगाने की। जैसे वहां पर सामने बना रखा है, मैंने शुरू में आपको दिखाया था, तो वैसे ही यहाँ पर बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं आप लोगों को बता ही देते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे वाली गड्डी रखी जाती है ना, पूरा मोड़ के रखा जाता है, और फिर आगे कैसे रखा जाता है वो वीडियो में आपको पता चली जाएगा। ये बात तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुनका कैसे बनता है। तो आगे आपने प्रोसेस देख ली, पापा जब ला रहे थे यहाँ पर ऐसे रख रहे थे, तो ऐसे ऐसे करते हुए पापा ने एक चक्र जैसा यहाँ पर बना दिया है। तो एक चक्र सबसे नीचे बनाया, फिर उसके ऊपर ये दूसरा चक्र बन रहा है, और इसके बाद अगर मम्मी और लवाई करती है तो शायद तीसरा चक्र भी उसके ऊपर, मतलब वो हमारी मर्जी की बात है, कितने भी चक्र हम इसके ऊपर बना सकते हैं। चक्र वैसे चक्कर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन चक्र होता है। तो ये देखिए पापा ने यहाँ पर कुनका लगा दिया है, तो तीन तो मेरे को यहाँ पर चक्कर नजर आ रहे हैं, इसमें तीन चक्करों से ये कुनका बना हुआ है। और साथ में मम्मी सामने अभी लवाई कर रही है, तो मम्मी जो लवाई करेगी ना, वो अब मम्मी खुद इसमें रखने वाली है, क्योंकि पापा चले गए हैं घर की ओर, और साथ में मेरा भी कुछ काम है, तो मैं भी निकल रहा हूँ। मम्मी थोड़ी देर बाद गौशाला आएगी, और फिर रात को ही मम्मी घर पहुंचती है हमेशा। तो अभी खेत में तो मुझे ककड़ी मिली नहीं, तो अनुष्का लोगों के घर से मैं जा रहा था ऊपर की ओर, तो यहाँ पर दो चार ककड़ियाँ मुझे नजर आई है। तो बड़ी बड़ी ककड़ियाँ नहीं निकालूंगा, बल्कि ये वाली निकालते हैं, जो ये छोटी है ना, जो मुड़ी हुई है, इसको मैंने बोला भी था, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं बोंगचा, तो बोंगची देवी को अभी निकालते हैं। तो ये देखिए ये वाली ककड़ी मैंने निकाली है, ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन अभी के लिए बहुत है। और साथ में इसके साथ है टेस्टी पिसा हुआ नमक, वो भी मैंने इन्हीं के घर से निकाला है। और अनुष्का के काम देखिए, अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, तो अभी जाके इसको टाइम मिला है झाड़ू लगाने का। वाह बेटे वाह। तो अभी मैंने ककड़ी खाई, और ककड़ी के बाद अभी अनुष्का लेके आई है सेब। तो ये वही सेब है जो मैंने गांव में चाचा लोगों की बागवानी आपको दिखाई थी ने, और बोला था कि महाराजा जो सेब है वो अभी पकेगा अगस्त के बाद। तो अभी वो लेके आई है, अब खा के देखते हैं पका है कि नहीं है। तो अभी सेब खा के मैंने थोड़ा देखा है, तो मीठा तो नहीं है लेकिन ज्यादा खट्टा भी नहीं हो रहा है। अगर नमक के साथ आप खाओगे ना, घर के पिसे हुए टेस्टी नमक के साथ, तो आपको मजा आएगा इसको खाने में भी। तो चलो अभी खा ही लेते हैं पूरा।